हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैन। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा, ये पोटेंशियल मीटर या वॉल्यूम बोल सकते हैं एम्पलीफायर का या होम थिएटर का। तो आज मैं ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको, ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम होम थिएटर में लगभग आपको देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ कार एम्पलीफायर में ये सब वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, और ये वॉल्यूम कार एम्पलीफायर और ये सब एम्पलीफायर में भी देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ होम थिएटर में भी देखने को मिलेगा आपको, और कुछ कुछ अलग अलग जगह पे ये सब सारे वॉल्यूम को आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है फ्रेंड, इन वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे करेंगे। इन वॉल्यूम का कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता है, कनेक्शन करना चाहता तो मैं कनेक्शन नहीं कर पाता हूँ, और वॉल्यूम के कारण ही मैं तो इस वॉल्यूम में ज़्यादा दिक्कत आता होगा इस वॉल्यूम के मुताबिक। तो ये सारा दिक्कत आपको आता ही क्यों है, आता है जानकारी नहीं होने के कारण, किसी के कारण, या कुछ चीज़ मिस करने से ही आपको प्रॉब्लम आता है। तो मैं आज इस वॉल्यूम का जो पूरी कनेक्शन है, डिटेल कनेक्शन है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए मैं पहला डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको पहला ये वाली वॉल्यूम के बारे में, सिंपल सा तीन टंगड़े वाले वॉल्यूम के बारे में पहले डिफाइन करता हूँ, और ये वाले तीन टंगड़े के वॉल्यूम के बारे में पहले डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे छः पिन का, और उसके बाद ये छः पिन का डिफाइन करूँगा। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे, तो फ्रेंड हमारे पास तीन टंगड़े पिन का ये वॉल्यूम का इस तरह का वॉल्यूम है, जो कि होम थिएटर में इजीली आपको बेस वाली वॉल्यूम पॉइंट पर दिखेगा, जिसमें आप इजीली इसको कनेक्शन कर ही लेते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत किसी को जानकारी नहीं होगा, तो आप इसका कनेक्शन को देख लीजिए, तब जाके बिजली आप यहाँ पे कनेक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पे है, ये हमारा ग्राउंड है, जो कि नेगेटिव पॉइंट होता है, या जीएनडी बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड पॉइंट जो है पहला नंबर पिन, आप इसको माना है या इसको माना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर मैंने इसको माना, जैसे कि जीएनडी, आप इसको भी मान सकते हैं ग्राउंड, और इसको भी ग्राउंड मान सकते हैं, जैसे कि ब्लैक हम यहाँ पे जुड़े और यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, कि ये जो वॉल्यूम है इधर से काम कर रहा है तो इधर से काम करेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को चेंज करके उल्टा डायरेक्शन को आप चेंज कर पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक नंबर में जीएनडी को कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इनपुट में सेकेंड वाली पॉइंट को ब्लू वाली पॉइंट से कनेक्ट किया, जो कि ब्लू वाली वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। अब मुझे आउटपुट लेना है, एक जीएनडी को यहाँ पर लिया, जो कि ये वाली पिन से मैंने फर्स्ट नंबर पिन से मान के चलिए फर्स्ट नंबर पिन है, तो इससे मैं कनेक्ट करके यहाँ पे ले आया। उसके बाद सेकेंड नंबर पिन का तो यहाँ से इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो है इनपुट होगा वॉल्यूम, जो भी चीज़ यहाँ पर इनपुट करेंगे, फ्रिक्वेंसी या एम्पलीफायर का वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ से मुझे ये वाले से यहाँ से आउटपुट मिलेगा, और ये ग्राउंड, और इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब आती है फ्रेंड कि यहाँ पे ये वॉल्यूम घुमा रहा है, इस तरह से मैंने घुमाना स्टार्ट किया, इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है कि फ्रेंड इस तरह से घुमा रहा है, तो ठीक काम तो कर रहा है लेकिन उल्टा काम कर रहा है, मेरे को लग रहा है उल्टा काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले कनेक्शन को खोल के यहाँ पर लगाएंगे, और ये वाले कनेक्शन को खोल के यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जो है इधर से घुमा रहे थे, काम कर रहा था, तो इधर से घुमाएंगे तो काम करेगा, थोड़ा सा उल्टा, फिर से उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या, आपका सीधा हो जाएगा, अगर उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, और सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, अगर वो चीज़ करिएगा तो। तो यहाँ पे ये वाले कनेक्शन को आपको ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में, तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कनेक्शन यही है, सिंपल सा ये भी है, तीन पिन का ही वॉल्यूम है, सेम कुछ इसी तरीके से कनेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर जीएनडी है, नेगेटिव पॉइंट है, और ये आउटपुट, यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। तो ये हमारा जीएनडी है, जो कि यहाँ पे पहला नंबर पिन में जुड़ा, और सेकंड वाले पिन में ये हमारा इनपुट घुस रही है। अब मुझे आउटपुट लेना है, तो एक जीएनडी से ले लिया, और एक लास्ट वाली पिन से ले लिया, जिससे मुझे यहाँ पे वॉल्यूम आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी ऑडियो को इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज़ को आउटपुट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ इनपुट कीजिए, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा रेगुलेट करके। तो ये हमारा वॉल्यूम 10K 47K कोई भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो जितना का आपका एम्पलीफायर में लगा हो उतना का ही यूज करें। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है कि ये वॉल्यूम हमारा जो इस तरह इस उल्टा काम कर रहा है, मान लीजिए उल्टा काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव वाला ये जो ग्राउंड पॉइंट है, इसको इधर लगाएंगे, और इस चीज़ को इधर ले लेंगे, आउटपुट मुझे इसमें मिलेगा, और यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा।
तो ये वॉल्यूम आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा और आपका एक्यूरेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप एक बार कनेक्शन करके देखिए, नहीं काम करता तो हमसे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में। छः देखिए फ्रेंड, ये हमारा 6 पिन का कनेक्शन है जिसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, सिंपल सा 3 वाली पिन के जैसा कनेक्शन है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या फ्रेंड, अब इसमें सिंगल मतलब एक 3 पिन को इजीली यूज कर पाएंगे जैसे सिंगल में यूज करते हैं, और यहाँ पे भी 3 पिन को अलग यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लगभग आदमी क्या करता है, इसमें ग्राउंड दिया और ये वाली पिन को भी, और ये वाली पिन को जो कि पहला नंबर पिन मानिए, ये वाली पिन और ये वाली पिन को शॉर्ट कर देता है और इसमें ग्राउंड दे देता है और एक ही वायर से जोड़ देता है या दो वायर से भी जोड़ देता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड लिया जो कि ग्राउंड एक इनपुट की तरफ गया और एक आउटपुट की तरफ गया, ये भी इनपुट की तरफ गया और एक आउटपुट की तरफ गया। यहाँ पे इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल दोनों में ग्राउंड जोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग एम्पलीफायर में आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे ये वाली पिन, इसमें जो है ये सेकंड नंबर पिन जिसमें हम यहाँ पे इनपुट देंगे और आउटपुट मुझे ये थर्ड नंबर वाली पिन में आउटपुट मिल गया जो कि ऊपर वाली पॉइंट है। फिर नीचे वाली पॉइंट में भी सेम वही कनेक्शन होगा, इसमें से हम इनपुट करेंगे और इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर उल्टा होता है तो ये जो ग्राउंड वाला, ये ग्राउंड को इसमें चेंज करेंगे, इस ग्राउंड को इसमें चेंज करेंगे और इसको उसमें लगाएंगे, आपस में इसको चेंज करेंगे। ये वाली पिन इसमें लगाएंगे और ये वाली पिन इसमें लगाएंगे, ये वाली पिन इसमें लगाएंगे और ये वाली पिन इसमें लगाएंगे। उसके बाद जो है आपका कनेक्शन उल्टा का होगा तो सीधा हो जाएगा और उल्टा सीधा होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट, पहला पॉइंट इधर का भी नेगेटिव मान सकते हैं और इधर को भी नेगेटिव मान सकते हैं, तो कोई एक तरफ ही इसमें ग्राउंड माना जाता है फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड डिफरेंट कनेक्शन के बारे में जो कि लास्ट में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड हमारा है इस वॉल्यूम का डिफरेंट कनेक्शन, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए तभी जाके आप इसका कनेक्शन को कर पाइए। ये हमारा 6 पिन का वॉल्यूम कंट्रोल वायरिंग। अब यहाँ पे हमने पिन आउट को डिनोट किया हूँ। तो अगर वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से रखते हैं या कैसे भी रखें आपको मैटर वो नहीं करता है, इसमें भी उल्टा सीधा होता है फ्रेंड अगर गलती करेंगे तो। यहाँ पे हमने जैसे कि दिया एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर। हमने यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर कुछ इस तरीके से दिया। अब गिनती हम उल्टा करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक नंबर को छः मानते हैं, छः नंबर को एक नंबर मानते हैं, तो हमारा ये गिनती उल्टा हो जाएगा। तो जैसे उल्टा होगा वैसे यहाँ पे उल्टा कनेक्शन भी होगा। जिससे क्या, एक नंबर में दिया इनपुट, एक नंबर में इनपुट हो रहा, दो नंबर में ग्राउंड है, तीन नंबर में ग्राउंड है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो एक नंबर यहाँ आ जाएगा, चार नंबर, दो नंबर यहाँ आएगा, तीन नंबर यहाँ आएगा। तो ये दो नंबर, चार नंबर, पांच नंबर ग्राउंड हो जाएगा अगर उल्टा करेंगे तो। और यहाँ पे तीन नंबर और दो नंबर ग्राउंड है। तो ये चीज़ है, ये दोनों आपस में कभी ना कभी शॉर्ट होता ही होता है। तो ये चीज़ को चेंज करके आप अपना वॉल्यूम का जो उल्टा डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। पहला तो है राइट को इनपुट करेंगे और दूसरा में है ग्राउंड, तीसरा को भी ग्राउंड, ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये दोनों वायर को आपस में कभी भी हो आपस में शॉर्ट ही करना ही पड़ेगा, आपको शॉर्ट कर ही दीजिएगा तभी जाके आपका एक्यूरेट काम करेगा। आप देखिए फ्रेंड, इनपुट तो राइट किया, अब चार नंबर में मुझे लेफ्ट इनपुट करना है जो कि इसका बगल में है, चार नंबर ए वाली लेफ्ट इनपुट किए। अब पाँच नंबर जस्ट बगल में, चार नंबर इनपुट कर रहे जस्ट बगल में, पाँच नंबर में मुझे लेफ्ट का आउटपुट मिल जा रहा है, लेकिन एक नंबर का आउटपुट मुझे छः नंबर मिल रहा है, मतलब लास्ट में मिलेगा। अब चलिए इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये जो दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, पाँच नंबर, आप यहाँ पे इसको ग्राउंड माने, मान के चलिए इसको ग्राउंड मान लीजिए, तो एक नंबर का पिन यहाँ आ जाएगा और इसका आउटपुट यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये दोनों का तो ये हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट इनपुट कीजिए और लेफ्ट आउटपुट दो नंबर में लीजिए, तो ये थोड़ा सा चेंज इतना ही आता है। अब चलिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो फ्रेंड हमारा ये है छोटा सा डायग्राम जिसमें पिन आउट हमने आपको समझा दिया कुछ इस तरीके से।
तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, यहाँ पे ग्राउंड को मैंने शॉर्ट किया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे राइट को इनपुट कर रहा हूँ, ये हमारा इनपुट सेक्शन है, राइट इनपुट कर रहा हूँ। तो राइट को इनपुट किया, यहाँ से ग्राउंड भी हमारा गया इनपुट में, और लेफ्ट भी इनपुट मैंने यहाँ कर रहा हूँ, ये राइट ये लेफ्ट, तो लेफ्ट भी इनपुट किया और राइट भी इनपुट किया और यहाँ पे ग्राउंड भी इनपुट किया। आप मुझे आउटपुट मिलेगा क्या, ये मुझे अगर यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे राइट मिलेगा, और यहाँ पे लेफ्ट किया तो यहाँ पे लेफ्ट मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूँ, ये ग्राउंड वाले पिन से मैं यहाँ ग्राउंड को आउटपुट कर रहा हूँ, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट, अगर लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट लिया तो लेफ्ट आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ये पिन और ये लास्ट वाले पिन में। यहाँ पे तीन पिन मुझे आउटपुट मिल गया और तीन पिन हमारा यहाँ इनपुट हो गया लेफ्ट राइट, यहाँ मुझे भी लेफ्ट राइट आउटपुट मिल गया। अब आपका प्रॉब्लम आता है एक उल्टा कनेक्शन की हमेशा, जो कि मैं आपको डिफाइन किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ग्राउंड जो शॉर्ट है इस वाली पिन में यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और ये दोनों पिन को यहाँ पर आपस में कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका जो कनेक्शन है चेंज हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखें, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, मैं आपको कनेक्शन ही समझा रहा था इस वीडियो में, और नहीं काम करता डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय, और फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। ये हमारा छोटा सा वॉल्यूम कनेक्शन था जिसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं हो, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको डिफाइन कर दिया।